राजस्थान में तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर गई है। ईरान से लाए गए 6 भारतीयों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। आज राजस्थान में 25 नए मामले अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आ गए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में झुंझुनू से 6, जोधपुर में 7, चूरू और बांसवाड़ा से 2-2 कोरोना पॉजिटिव, भीलवाड़ा और बीकानेर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। ईरान से लाए गए 6 भारतीयों की रिपोर्ट भी यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बीकानेर में 60 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हो गई। झुंझुनू में मिले सभी 6 पॉजिटिव तबलीगी जमात से चूरू के 2 पॉजिटिव पाए गए और ये तबलीगी जमात से ही थे। और इसी के साथ राजस्थान में अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार यहाँ पर ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, 200 का आंकड़ा राजस्थान में पार हो गया है। जी बिल्कुल, कोरोना आंकड़ों जो कोरोना वायरस है उसके पॉजिटिव मरीजों की संख्या 204 हो चुकी है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह से अब तक जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है प्रदेश में वो 25 ने आज कोरोना के जो नए मामले हैं वो सामने आए हैं। इसमें बात करें तो 6 झुंझुनू में, 7 जोधपुर, चूरू और बांसवाड़ा में 2-2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए। साथ ही भीलवाड़ा और बीकानेर में भी 1-1 कोरोना का पॉजिटिव नया सामने आया है। बांसवाड़ा में पहली बार 2 कोरोना के पॉजिटिव एक साथ सामने आए हैं, जो भी एक चिंता की विषय है। जहां अब प्रदेश में 17 जिलों में जो कोरोना का जो आतंक है वो बढ़ चुका है। वहाँ साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार कोरोना आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी में 6 आज ईरान से लाए गए भारतीय की ओर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की। इस तरह से लगातार जो कोरोना के आंकड़े की संख्या बढ़ते बढ़ते 204 हो चुकी है। हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है, और लेकिन फिर भी लगातार जो कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे अधिक बात करें तो जयपुर में अब तक 55 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं भीलवाड़ा में 27 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। भीलवाड़ा में पिछले 4 दिनों से कोई भी मरीज सामने नहीं आया था, लेकिन आज कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आने से वहां पर भी फिर से इनकी दहशत का माहौल शुरू हो चुका है। जो नया कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आया है वो भी भीलवाड़ा के बांगर अस्पताल का ओपीडी का पेशेंट की है। ऐसे में लगातार इनकी वहां पर भी चिकित्सा विभाग की टीम में फिर से इनकी स्क्रीनिंग में जुट गई है, ताकि संदिग्ध मरीजों की पहचान की जाए। इसी तरह बात करें तो टोंक में अब तक 16 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। झुंझुनू में 15 और जोधपुर में 17 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जोधपुर में भी एक बड़ी संख्या माना जा सकता है। इसी तरह चूरू में अब तक 10 कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं। अजमेर और अलवर में 5-5 कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं अब तक। साथ ही उदयपुर में 4, डूंगरपुर, भरतपुर और बीकानेर में 3-3 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की बात करें तो वहां पर 2-2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी तरह पाली, सीकर, धौलपुर और दौसा में 1-1 कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो विवाद के 204 कोरोना के पॉजिटिव वो मरीज सामने आ चुके हैं। जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो 41 कोरोना के पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं, जो बड़ी संख्या है। साथ ही अभी भी कई जो ऐसे लोग हैं उनको क्वारंटाइन में रखा गया है और आइसोलेशन में रखा गया है, जिनकी सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए। अभी भी 300 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, साथ ही प्रदेश के हर एक नागरिक की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जी जी लोकेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से तबलीगी जमात का यहाँ पर बाहरी आंकड़ा देखने को मिल रहा है, कोरोना विस्फोटक के रूप में से देखा जा रहा है, दिन पर दिन यहाँ पर नए मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है तबलीगी जमात के जो अब तक कोरोना के 45 जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं तो बड़ी चिंता कही जा सकती है। इसी तरह इनके संपर्क में आने वाले भी पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। जिस तरह से टोंक में 12 मामले जो सामने आए थे वो तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आने से ही पॉजिटिव हुए थे। इस तरह से और भी ऐसे उनके कई सैकड़ों लोगों की चिन्हित किया गया है, तबलीगी जमात के जो लोग आए उनके संपर्क में रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनमें सिम्टम्स आ रहे हैं, उनकी जो रिपोर्ट जो सैंपल है वो भेजे गए हैं। हालांकि जो सिम्टम्स आ रहे और जिन जो लोग उनके संपर्क में आए थे उनको क्वारंटाइन भेजा गया है, ताकि वो सबसे अलग रहे और इस संक्रमण को रोका जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। आपको बता दें, प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 204 तक पहुंच चुकी है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। अभी तक 25 मामले पूरे प्रदेश भर से सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। झुंझुनू में 6 कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। चूरू के 2 पॉजिटिव तबलीगी जमात से आए। राजस्थान में अब तक 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। प्रदेश में भी संकट यहां पर गहराता जा रहा है कहा सकता है इसे।
और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता किशोर सिंह हमारे साथ बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार यहाँ पूरे प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, संकट की स्थिति पूरे प्रदेश पर मंडराने लगी है, जिस प्रकार से आए दिन यहाँ मामले नए नए सामने आ रहे हैं, पूरे मामले में क्या कहेंगे आप? जी ज्योति, बिल्कुल आपने सही कहा, पूरे प्रदेश में संकट के बादल मंडरा रहे हैं और एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो रही है। बीकानेर में भी 3 दिन पहले तबलीगी जमात से आए 2 लोग पॉजिटिव पाए गए, उनके साथ 11 लोग नेगेटिव पाए गए और कल देर शाम को एक महिला की मौत हो गई पीपी अस्पताल। मौत के बाद उसकी कोरोना की जांच आई जो पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद प्रशासन हर कदम फूंक फूंक के रख रहा है और बीकानेर के कई इलाकों के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया है और उस महिला के परिवार के 25 लोग हैं उनको भी पीबीएम अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती करवा दिया गया और उनकी भी जांच की जा रही है। और उसके अलावा बीकानेर के जो पॉजिटिव पाए गए वो किन किन लोगों से संपर्क में आए उन लोगों को स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है और सबको एक एक करके स्क्रीनिंग करके जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और उनको अलग रखा जा रहा है। जी जी। और प्रशासन हर टाइम संदिग्ध लोगों की धरपकड़ में लगा हुआ है और बार बार आगाह कर रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई बाहर से कोई आदमी आया है या आ रहा है तो प्रशासन को तुरंत सूचना देवें और कोई अगर बीमार है तो डरे ना, प्रशासन के माध्यम से जांच करवाएं और अपनी जो बीमारी है उसको छुपाए ना, क्योंकि अगर वो छुपाएंगे तो दूसरे लोगों को और संक्रमित कर सकते हैं और अगर बताएंगे तो इस बीमारी से खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद किशोर। एक बार आपको फिर से बता दें, प्रदेश भर से यहाँ कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो 25 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। राजस्थान में भी तेजी से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।